तो इधर जो समीक्षा मीटिंग, क्योंकि बहन कुमारी मैथिली ने अभी हम लोगों को चार साथी दिल्ली में लगाए हैं, महेश आर्य जी और मैं, दो लोगों को एक जोन बनाया है और दो लोगों की टीम उधर, इंजीनियर वीरपाल जी और सुरेंद्र चौधरी जी, उन दोनों की टीम अलग बनाई। जो महेश आर्य जी हैं वो 15 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे, 15 दिन दिल्ली में रहेंगे, तो आज वो मेरे साथ आने थे मगर आज उनकी मीटिंग मध्य प्रदेश में लगी। जो मेरे दूसरे दोनों साथी हैं वो विश्वास नगर में मीटिंग ले रहे हैं और हम लोग आपके बीच में ओखला विधानसभा मीटिंग ले रहे हैं। यानी प्रत्येक दिन हम लोग हर विधानसभा में जाने का काम करें, ये बहन कुमारी मैथिली का आदेश है, उन्होंने प्रोग्राम चेकआउट करके दिया है। 15 जनवरी को उनका जन्मदिन आप लोगों ने मनाने का काम किया होगा, पूरे प्रदेश में मनाया, आपने क्षेत्र में मनाया होगा, तो बहन कुमारी मैथिली ने उसके बाद हम लोगों की समीक्षा की थी तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप लोग अपने विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि चुनाव कभी भी घोषित हो सकता है मार्च के अंदर, तो उससे पहले आपको 70 की 70 विधानसभाओं में जाने का काम करना है। तो आज मैं उसी लिए आप लोगों के बीच में इधर आया हूँ। और जो मेरे साथी यहाँ बोल रहे थे, मेरी उनसे विनती है कि वो लोग जब मंच लगे, जब हम मीटिंग लगाएं, तो जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए और उससे पहले दिन रात उनको जो ये आज जैसे मैंने ये मंच लगवाया है, ऐसे उनको प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ मीटिंग लगाकर ऐसे मंचों पे अपनी बात को रखना चाहिए। 264 करोड़ रुपए खर्च किए, GST लगाई अभी, तो GST पर उसके फायदे गिनवाने के लिए 132 करोड़ रुपए लगाए, 5000 करोड़, 1458 करोड़, 264 करोड़, 132 करोड़, ये तो एक जरा सा उनका हिसाब किताब है। और नहीं जाने कितना पैसा उन्होंने चुनाव के बाद खर्च किया होगा, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मुकाबला बहन जी को उनसे करना है। अभी मुझे मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया था, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है, मैं वहां गया था, तो वहां बहन जी ने 8 रैली की, एक दिन में 2 रैली, और 2 रैली में एक रैली का जो खर्चा था हवाई जहाज का, हेलीकॉप्टर का, 1 करोड़ रुपए था। 2 रैली 2 करोड़ रुपए एक दिन में, 8 रैली 16 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए। मंच अलग था, लोग जो पहुंचे वो अलग थे, स्टेज जो लगा वो बिल्कुल अलग था, साउंड वाला बिल्कुल पैसा अलग था, ये तो सिर्फ हेलीकॉप्टर का किराया था। एक राज्य में 16 करोड़ रुपए लगे और अभी पूरे 29 राज्य के अंदर चुनाव होना है, देश का पूरा चुनाव हो रहा है, तो क्या आपके नेता मोटरसाइकिल से चले जाएंगे, कार से चले जाएंगे, ट्रेन से जा सकती है, किससे जाएंगे, जा सकते हैं कोई ट्रेन से या बस से जा सकते हैं, पूरे देश तो कवर नहीं होगा उससे, तो फिर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। और हमारी सबकी चाहत है कि हमें बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है, तक बदल दो, ताज बदल दो, बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। BSP की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान, BSP की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हर जोर जुलम की टक्कर में। तो इनको इधर इस विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया जा रहा है, सर्वसम्मति से मेरे साथियों ने इधर बोला है, तो मैं लक्ष्मण जी से अनुरोध करूंगा इधर जिलाध्यक्ष जी से कि मैं उनका स्वागत करके मतलब इन्हें नौजवान साथी का हौसला बढ़ाने काम करें। साथियों ज्यादा लंबी चौड़ी बात में रखते हुए, क्योंकि माननीय प्रभारी जी को आप लोगों ने बड़े विस्तार के साथ सुना, उन्होंने आपसे निवेदन किया है क्योंकि कोई भी जंग बगैर संगठन के नहीं जीती जा सकती साथियों, तो अभी से आप लोग लग जाएं बहन जी को सही आत्मा से, और आप लोग चाहते हैं निष्ठा से हमें प्रधानमंत्री बनाना है, तो साथियों आपको संगठन तैयार करना पड़ेगा और संगठन मिलकर के सभी लोग तैयार करें, ऐसी आप लोगों से उम्मीद करते हुए और पूरा विश्वास रखते हुए कि आप लोग संगठन को मजबूत करेंगे, और ऐसी उम्मीद करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और इस मीटिंग का यहीं समापन करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो तस्तु।